दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, मगर छुप के दो दिल मिल रहे हैं, मगर छुप के सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर, चुप के हो दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुप के नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली सिन्हा के भी स्टूडियो के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत हैं जो बेहतरीन सिंगर हैं, जिन्होंने बेगूसराय ही नहीं देहरादून तक धमाल मचा रखा है। तो आइए मैं आपको सोनू भारद्वाज से रूबरू करवाती हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर आप हमारे के भी स्टूडियो आए और आपका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर रोशन सर का थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने बेगूसराय जैसी जगह में ये केवी स्टूडियो बना के लोगों को जो मतलब एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है, ये बहुत ही अच्छा है। और मैं आपका भी शुक्रगुजार रहूँगा मैम कि आपके थ्रू मैं यहाँ पे आया, तो ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है मैम कि डॉक्टर रोशन सर ने इतना अच्छा स्टूडियो बनाया है और इतना अच्छा सेटअप है, और इसके थ्रू वो पूरे मतलब बेगूसराय ज़िले के पूरे टैलेंट को मौका दे रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। जी सर। सर हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप बेगूसराय से कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैं बेसिकली मैम बेगूसराय के सदानंदपुर गांव है एक बलिया साइड में, तो वहीं से बिलोंग करता हूँ मैम। और मेरी जो स्कूलिंग है वो वहीं से हुई है, सदानंदपुर से ही। मिडिल स्कूल हाई स्कूल मैंने वहीं से किया, और फिर उसके बाद मेरा जो ग्रेजुएशन है वो APSM बरौनी से हुआ था, और फिर ग्रेजुएशन करने के बाद मैं फिर देहरादून चला गया था हायर एजुकेशन के लिए। तो फिर मैं वहाँ पर मैंने MSc की अपनी, और देहरादून में लगभग मैं 5 साल रहा था। सर आपकी स्कूलिंग लाइफ और कॉलेज लाइफ कहाँ से हुई है? स्कूलिंग लाइफ तो मेरी, मैंने आपको बताया मैम, मेरी गांव से ही हुई स्कूली। मेरी 10th तक तो स्कूल में गांव से पढ़ा मैं, उसके बाद फिर 12th भी मेरे स्कूल में ही, इंटर कॉलेज है गांव में ही सॉरी, तो वहां से मैंने इंटर किया। और उसके बाद फिर मैं APSM कॉलेज बरौनी में, तो वहां से मैंने ग्रेजुएशन किया था, और फिर वहां से ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैं देहरादून गया था, तो वहां से फिर मैंने मास्टर्स किया, मास्टर्स इन साइंस। सर आप एक बेहतरीन सिंगर हैं। धन्यवाद। ये हुनर आप में स्टार्टिंग से या फिर किसी पॉइंट पे जाकर आपको लगा कि एक सिंगर बनना चाहिए? अगर मैं इस टैलेंट की बात करूँ तो मुझे गाने का शौक तो मैं बचपन से ही है। जी। मुझे अभी भी याद है मैं जब बहुत छोटा था, तो उस टाइम पे तो मोबाइल फोन से या कुछ भी नहीं होते थे, टीवी वगैरह भी नहीं होता था सबके घर में, तो मेरे दादाजी एक रेडियो रखते थे। तो उस रेडियो में क्या था कि एक प्रोग्राम आता था 1:30 बजे के लगभग, एक प्रोग्राम आता था तो उस पर गाने आया करते थे। तो मैं मतलब दादाजी पूरे दिन उस रेडियो को न्यूज़ सुनने के लिए रखते थे, तो मैं क्या करता था 1:30 बजे के लगभग उनका रेडियो चुरा के भाग जाता था गाने सुनने के लिए। तो उस टाइम से मुझे गानों के प्रति बहुत लगाव था। अब ये एक अलग चीज़ होती है कि मैम गांव वगैरह में उतना इन्वायरमेंट आपको नहीं मिल पाता है जी, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा तो शुरू से ही थी, मतलब गाने वगैरह में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। और फिर जब मैं देहरादून गया तो वहाँ पे मुझे जैसा कल्चर मिला, फिर मुझे लगा नहीं यार अपन को यही करना है। जी सर। सर एक आप बेहतरीन सिंगर है, हमारे दर्शक आपके संगीत का एक आनंद उठाए, एक अंतरा हमारे दर्शकों के लिए। तो सबसे पहले मैम एक गज़ल गाना चाहूँगा मैं। जब जरूर सर। जगजीत सिंह साहब का है वो गजल गाना चाहूंगा मैम मैं। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है के नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है के नहीं, झुकी झुकी सी नजर तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता,
मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है के नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है के नहीं, झुकी झुकी सी नजर। बहुत खूब सर, धन्यवाद, बहुत खूब, माशाल्लाह, इतना अच्छा गायकी आपका। थैंक यू। सर आपने कौन कौन से कंपटीशन और इवेंट किए हैं? कंपटीशंस तो मैंने एक्चुअली, मैं जब मैं देहरादून में था तो वहाँ पे मुझे लगता है 2016 में इंडियन आइडल का एक ऑडिशन चला था, तो मैं वहाँ पे जब मेरी एमएससी हो गई तो उसके बाद मैं जॉब कर रहा था, तो उसी टाइम पे मुझे पता चला था फेसबुक और सोशल मीडिया के थ्रू, तो काफ़ी मतलब एडवर्टाइजमेंट होता है उनका, तो मुझे पता चला था कि इंडियन आइडल का ऑडिशन है, तो मैंने कहा एक बार तो जाना बनता है, तो फिर मैं इंडियन आइडल के ऑडिशन में गया था। हालांकि वहाँ पे कुछ खास था नहीं या खास हुआ नहीं था, लेकिन मैंने एक बार इंडियन आइडल का ऑडिशन दिया था। और फिर जब मैं देहरादून में था तो वहाँ पे मैं जिस टीचर के यहाँ पढ़ता था उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया भी, और उनके साथ मैं शोज वगैरह भी करता था पब्लिक गैदरिंग्स में, या फिर मतलब पब्लिक शोज वगैरह भी काफ़ी मैंने वहाँ पे किए थे। जी सर, सर आपके आदर्श कौन है और आप किससे हर एक पॉइंट पे मोटिवेट हुए हैं? अगर मैं सबसे आदर्श की बात करूँ ना, तो क्योंकि क्रिकेट तो मैं बिल्कुल देखता नहीं, लेकिन मतलब एक पर्सन है जो क्रिकेट से ही जुड़े हुए, उनको मैं अपना सबसे बड़ा आदर्श मानता हूँ, एम एस धोनी। मतलब उनका क्या है कि उनकी लाइफ मतलब हम जैसे छोटे लोगों के लिए, जो बिल्कुल छोटे से गांव से उठ के मतलब सपने देखते हैं, जिनको लगता है कि हमारे सपने भी सच हो सकते हैं, तो उनके लिए मैं उनको आइडियल मानता हूँ कि उन्होंने उतने छोटे से जगह से जाके मतलब इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम किया, तो इसलिए मैं उनको अपना आइडियल मानता हूँ। और सिंगिंग क्षेत्र में तो मैं बताना चाहूँगा कि किशोर कुमार साहब हैं, उनको मैं अपना आइडियल मानता हूँ, और अरिजीत सिंह सिंगर सर हैं, वो उनको भी मैं अपना आइडियल मानता हूँ, और काफ़ी हद तक मैं उनके गाने गाता भी हूँ। किशोर कुमार साहब और अरिजीत सिंह, इनके गाने मेरे सबसे फेवरेट होते हैं और मैं उन्हीं के गाने मैक्सिमम गाता हूँ। सर एक लाइन आपके फेवरेट सिंगर का हो जाए? किशोर कुमार साहब का एक गाना है, रात कली ख्वाब में है। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे आँख उन्हीं से चार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, चाहे कहो इसे मेरी मुहब्बत चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझे कुछ भी खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो, तूने कदम जो रखा जमी पे सीने में क्यों झनकार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, और गले का हार हुई। बहुत खूब सर, बहुत खूब, हमारा जो केवी स्टूडियो यहाँ का तो वातावरण ही आपने चेंज कर दिया। सर आपसे एक और गाना हम लोग सुनना चाहेंगे, जैसे कि हमारे जो अभी भी जो लोग हैं जिनको प्यार अभी होने वाली है और उससे लग रहा है कि अट्रैक्शन है बट वो इजहार नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए एक सॉन्ग डेडिकेट। तो एक गाना है मैम, 90s की तरफ चलते हैं, अभी 80s का गाना तो मैंने आपको सुना दिया, अब 90s का एक गाना है कुमार सानू साहब की आवाज में, काफी बेहतरीन गाना है। दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है हाँ सबको हो रही है खबर
चुपके हो दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके। सर जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उसे बहुत हिम्मत मिल रही होगी आपके सॉन्ग से। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और आपका भी शुक्रगुजार हूँ मैम कि आप मुझे इतना अप्रिशिएट कर रही है। सर बहुत खूब, आपकी गायकी का अंदाज ही कुछ और है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। सर एक मेरी फरमाइशी सॉन्ग है जी, बिल्कुल बताइए मैम। लग जा गले की। बिल्कुल मैम जी सर। लग जा गले के फिर ये हसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले हे। बहुत खूब सर। थैंक यू सर, आपके लिए तो कोई वर्ड ही नहीं है जो मैं तारीफ करूं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सर जो आपकी जर्नी है स्टार्टिंग से अभी तक, इसमें आपने क्या क्या संघर्ष किया? अगर स्ट्रगल की बात करें ना तो मैम अपना मतलब सबसे पहली बात मैं क्या करूँगा कि हम लोग के बैकग्राउंड में या मतलब कोई भी फैमिली में दूर दूर तक इस फील्ड से नहीं है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपके लिए ये बिल्कुल नहीं है और आपकी फैमिली के लिए भी ये नहीं है। तो मतलब फैमिली वालों को यही लगता है कि यार इसमें क्या है, नहीं है यार, मतलब क्या इसमें कैरियर है, क्योंकि उन्होंने मतलब कभी भी हमारे रिलेटिव्स या कोई भी ऐसा मतलब इस फील्ड में नहीं है, तो उनके लिए एक बहुत नई चीज़ है, तो उनको इनसिक्योरिटी लगती है इन सब चीज़ से कि यार इससे क्या होने वाला है। बट इसमें यही है कि मैम अगर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है या और आपको लगता है कि आप में कुछ टैलेंट है तो आप बिल्कुल आगे जाके अच्छा करोगे। बस मुझे इसी आशा के साथ मैं अपना काम कर रहा हूँ कि एक ना एक दिन अच्छा आएगा, मेरा भी स्ट्रगल एक दिन ख़त्म होगा और मैं जो चाह रहा हूँ वो मुझे मिलेगा। सर कोरोना काल में अभी बहुत ही खराब प्रभाव पड़ा है जनता पे और जो भी सिंगर आर्टिस्ट जो भी हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी कोरोना की अगर बात करूँ मैम तो पिछले कोरोना भी जब कोरोना स्टार्टिंग हुआ था तो मैं मुंबई में था। अभी मैं लगभग मुंबई में था, दिसंबर में गया था मैं मुंबई, तो लगभग मार्च के टाइम पे कोरोना आया था। तो वहाँ पे क्या था, मैंने लगभग 2-3 महीने तो मैं इवेंट्स वगैरह वहाँ पे जाता था, जो भी था इवेंट्स वगैरह। तो उसके बाद क्या हुआ था कि मैम कोरोना के वजह से तो गैदरिंग, पब्लिक गैदरिंग बिल्कुल बंद हो जाती है, तो वहाँ पे सारे इवेंट्स वगैरह बंद हो गए और जो भी मतलब जितने भी आर्टिस्ट या जितने भी कलाकार मतलब इस सब टाइप के सोच से जुड़े हुए उनके लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग हो गया, उनके लिए नहीं मतलब पूरे इंडिया के लिए एक चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि जब लॉकडाउन लग गया तो मतलब पूरी जिंदगी सबकी मानो ठप पड़ गई थी। लेकिन फिर धीरे 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 करके सब धीरे अपना उसको धीरे धीरे सब उससे फिर बाहर आए। लेकिन फिर अभी कोरोना के केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं, तो मैं सबसे यही अपील करूंगा कि प्लीज़ आप लोग जितने भी प्रिकॉशंस हैं उनको अपने ऊपर अप्लाई करें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें और जब तक ज़रूरी ना हो मतलब कोई भी बाहर नहीं जाए, क्योंकि अभी कोरोना अपने बिल्कुल पीक पे चल रहा है। तो दैट्स ए रिक्वेस्ट फ्रॉम मी। सर रोमांटिक सॉन्ग तो बहुत सारे हो गए, जिनका दिल टूटा है, जिनका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, उस पे एक डेडिकेट हो जाए एक सॉन्ग। ओके, तो एक गाना है मैम उसको फिर मैं आपको 90s के दौर में ले जाऊंगा, कुमार सानू साहब का, क्योंकि वो किंग है, मतलब किंग है, रोमांस के भी किंग है और इन सब चीजों के भी किंग है। जरूर सर, तो उनका एक गाना है अब तेरे बिन जी लेंगे हम, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम, क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। सर बहुत खूब सर।
सर इतना दिल को टच करने वाला ये सॉन्ग है सर, थैंक यू सो मच कि मतलब लग रहा है कि मैं अब रो पड़ूंगी। नहीं नहीं मैम प्लीज। सर एक ऐसा कोई सॉन्ग जो आप मुझे डेडिकेट करना चाहते हैं? आपके लिए मैम एक गाना है। जी सर। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, ओ आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत खूब सर, आपने इतना अच्छा सॉन्ग मेरे लिए डेडिकेट किया। थैंक यू सर। एक और सॉन्ग हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। ठीक है मैम, मैं एक गाना सुनाना चाहूंगा। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मुहब्बत से सांसें जुड़ी हैं, सदा रहना दिल में करीब होके, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बहुत खूब सर, बहुत खूब। थैंक यू मैम। सर एक मेरी अल्टरनेट फेवरेट सॉन्ग है, मुस्कुराने की वजह तुम हो। सर, ये तो मेरा भी फेवरेट है मैम। सर एक अंतरा आप गा देते तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात। बिल्कुल श्योर श्योर मैम श्योर। ये सिटी लाइट्स मूवी का गाना है मैम, तो मैं इसको गाना चाहूंगा, अरिजीत सिंह सर की आवाज में है। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, ओरे लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे। बहुत खूब सर। थैंक यू मैम, बहुत खूब। थैंक यू। माशाल्लाह सर आपकी आवाज में तो जादू है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। सर आपने तो केवी स्टूडियो आकर अपनी गायकी से धूम मचा रखा है। थैंक यू सो मच मैम, और रोशन सर का काफी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया केवी स्टूडियो में आने के लिए। जी सर। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपके थ्रू मैं यहाँ पे आया। जी सर। तो थैंक यू सो मच केवी स्टूडियो। थैंक यू मैम। सर हम आपसे जानना चाहेंगे केवी स्टूडियो आकर आपको कैसा लगा? जैसा मैंने मैम आपको पहले भी बताया था, मेरी एक इच्छा थी मेरी, इसको कह सकते हैं कि मेरा लिए एक ड्रीम कम ट्रू हुआ कि मतलब मैं रोशन सर की जितने भी केवी स्टूडियो की वीडियोज है लगभग मैंने सारी देखी है, तो मुझे लगता था यार मतलब सर ने ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, और ये मतलब बेगूसराय के जितने भी आर्टिस्ट हैं, और मैंने देखा है कि मतलब बिल्कुल सर मतलब बिल्कुल जिसको बोल सकते दूर दूर तक जाके, वहाँ से कल परसों भी एक लड़का आया था, मतलब उसकी जो आर्ट थी वो मैंने देखा, तो बाकायदा मुझे लगा कि नहीं यार मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर में ही टैलेंट है, बिहार में भी बहुत टैलेंट है, देर आर ए लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल इन बिहार। तो मुझे लगता है रोशन सर ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि वो मतलब जगह जगह से टैलेंट को निकाल के इधर अपने स्टूडियो में बुला के और उनको मतलब लोगों को दिखा रहे, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसके लिए रोशन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर जो आप हमारे केवी स्टूडियो आए और इतना अच्छा अपनी गायकी से हमारे केवी स्टूडियो का माहौल ही चेंज कर दिया। मेरे लिए भी एक बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे केवी स्टूडियो बुलाया गया मैम, तो इसके लिए फिर से आपका और रोशन सर दोनों का मैं काफी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो सुना आप लोग ने सोनू भारद्वाज की गायकी,
ऐसी कहानी से जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।